हे गाइस, मैं डीके और आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे इंटायर मोड पे। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑटो अपडेट ऐप के बारे में, जो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर है उसमें कभी कभी सेटिंग रहता है कि ऑटो अपडेट ऐप वो ऑन रहता है। वो ऑन रहने से क्या होता है, आपका जो रैम है फ़ोन का रैम जो है वो भरते जाता है दिन दिन, क्योंकि वो ऐप ऑटो अपडेट होता है। अगर आप उसे बंद कर दे तो सिर्फ आप जिन ऐप को चाहेंगे उसी को आप ऑटो अपडेट करेंगे ताकि आपका रैम बचे। तो ये कैसे करते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, ऐप को ऑटो अपडेट ऑफ या ऑन करने के लिए हमें पहले जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे। उसके बाद आपका प्रोफाइल का ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका सबसे नीचे बीच में, देखिए बीच में ऑटो अपडेट लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यह हमें लिखा आएगा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसमें आपको अगर टिक किया रहेगा, मार्क किया रहेगा, तो आपका ऐप ऑटो अपडेट नहीं होगा। अगर आप इसको बिना टिक करके रखेंगे तो ऐप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। में ऑटो अपडेट रहने से आपका ऐप कभी भी अपडेट हो जाता है और आपका रैम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप जो चाहते हैं जो ऐप को, सिर्फ वो ऐप को ही आपको अगर अपडेट करना है तो ये सेटिंग ज़रूर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, आपके लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। और आप चाहे तो अपना मर्ज़ी से हमें ऐप को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।